फॉर यू टीम में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं जमीर अहमद खादरी। रात देर गए हमें एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है जिसके मुताबिक फिरोज खान, जो उस्मानपुरे का साकिन था, जो सैलून चलाता था, और आज सुबह उनका इंतकाल हो गया था। और इंतकाल के बाद ये मामला इतना तूल पकड़ा था कि उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में कवाम का हुजूम जमा हो गया था। बड़ी तादाद में लोग थे, सियासत भी होने लगी थी वहाँ पर। हमारे शहर के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब ने पहुंचकर हालात को काबू में किया, लोगों से बातचीत की और कहा था कि इस मामले की तहकीकात की जाएगी कि फिरोज खान की मौत किस तरह वाक़ हुई है। लोगों के मुताबिक ये बात वाज़े हो रही थी कि पुलिस ने उनकी दुकान में दाखिल होकर उन्हें धक्का बुक्की की, जिसके बाद उनकी मौत वाक़ हो गई। लेकिन आज रात देर गए जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इस फुटेज के मुताबिक फिरोज खान अपनी दुकान के करीब आते हैं और आने के बाद वो अचानक खुद गिर जाते हैं, और गिरने के बाद मार लगने से उनकी मौत होती है। या फिर वो एक महीना पहले उन्होंने अपना बाईपास कराया था, उस वजह से उनकी मौत हुई है। ये खैर तहकीकात की बात है, लेकिन हकीकत यह है कि सीसीटीवी कैमरे में आप जो उदे रंग शर्ट में शख्स देख रहे हैं वो फिरोज खान है, जो अपनी दुकान की तरफ जा रहा है। वहाँ पर कोई पुलिस वाला मौजूद नहीं है। बावजूद इसके वो अचानक खड़े खड़े गिर जाते हैं और गिरने के बाद लोग उन्हें उठाकर ले जाते हुए देखे जा सकते हैं। रातर आला अफसरान ने भी इस सिलसिले में हमसे बात की और बताया कि ये मामला पुलिस की मारपीट से नहीं हुआ था, बल्कि उनकी मौत एक इत्तेफाकी मौत थी। और ये मौत का एक बड़ा सबूत ये सीसीटीवी कैमरे का फुटेज है, जो ये साबित करता है कि पुलिस की मार से फिरोज खान की मौत वाकई नहीं हुई है। याद रहे कि दिन भर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दिगर मीडिया ने ये बात खुलकर सामने रख दी थी कि पुलिस की मारपीट से फिरोज खान की मौत वाकई हुई है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। मैं हूँ जमीर अहमद खादरी, फिर कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। दुकान के खोपरे पे और दिख लॉक के ऊपर Thank you.